आज की वीडियो में जो क्रीम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपके स्किन से पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स को दूर करेगी। अगर आपकी स्किन पर टैनिंग है तो उसको रिड्यूस करेगी और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी। आपकी स्किन पर एक अलग ही चमक लेकर आएगी और आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। ये क्रीम बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करता है और आपकी स्किन पर एक अलग ही निखार लेकर आता है। चलिए जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ निदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बहुत सारा वेलकम एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए है ऑरेंज पील्स यानी संतरे के छिलके, विटामिन सी जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसकी मिकदार संतरे से ज्यादा इसके छिलकों में मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी स्किन को हील करती है, एक्नी और एक्नी स्कार्स को ट्रीट करती है। इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करता है, डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्कार्स, एक्नी मार्क्स या पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। आपकी स्किन से सन डैमेज को रिपेयर करता है और सन टैनिंग को रिमूव करता है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प करती है। इसका इस्तेमाल आपकी स्किन से कोलाजन की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है जिसके रिजल्ट में आपकी स्किन टाइटन अप और यूथफुल नजर आती है। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ ऑरेंज पील्स। अब आप इनको एक पैन में ट्रांसफर करेंगे और एक ग्लास पानी के साथ इसको अच्छे से पकाएंगे। आपने इसको तब तक बॉइल करना है कि पानी की क्वांटिटी कुछ कम रह जाए। जैसे ही अच्छे से पक जाए आपने फ्लेम बंद कर देना है और उसको कुछ टाइम के लिए ठंडा कर लेना है। अब इसी पानी के साथ आपने ऑरेंज पील्स को ब्लेंड कर लेना है। आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए और ब्लेंड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को स्ट्रेन कर लेना है ताकि कोई भी हार्श पार्टिकल्स इसमें ऐड ना हो। स्ट्रेन करने के बाद हमारे पास बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। अब आपने इसको दोबारा एक पैन में ट्रांसफर कर लेना है। नेक्स्ट आपको चाहिए एक बॉल, इसमें आप ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च में विटामिन ए होता है जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को लाइटन अप करता है और ये स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन पर न्यू सेल्स के रिजनरेशन में हेल्प करता है। अब इसमें आपने पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को आपने इस पैन में ऐड कर लेना है। इस पैन को आपने लो फ्लेम पर रख देना है और 2 से 3 मिनट तक स्टर करते हुए पकाना है। आप देख सकेंगे कि बिल्कुल क्रीम लाइक टेक्सचर बन गया है और आपकी क्रीम बनकर रेडी हो गई है। अब आपने फ्लेम बंद करके इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी यानी शहद एंड फाइनली इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज ऑयल के ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपकी क्रीम बनकर रेडी हो गई है। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसको एज ए नाइट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे और ओवरनाइट छोड़ देंगे। इस क्रीम की रात भर की एप्लीकेशन आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को लाइटन अप कर देगी, स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करेगी। स्किन पर टैनिंग है, कील मुहासे या दाग धब्बे हैं या फिर आपकी स्किन पर कोई भी निशानात हैं उन सबको खत्म करेगी, स्किन को एकदम क्लियर, ग्लोइंग और ब्राइटन अप कर देगी। लेकिन अगर आप इसको डे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसको 1 घंटे के लिए अपने फेस पर जरूर अप्लाई करें और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करें। इस क्रीम को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। विद इन 15 डेज आपकी स्किन एकदम क्लियर, ग्लोइंग और ग्लास लाइक नजर आएगी, स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। इस क्रीम को आपने डेली इस्तेमाल करना है तो आज ही इस क्रीम को बनाएं और इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो आई रियली होप आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।